देख लो भाई, ये 390 नया जनरेशन का नया बाइक, 600 किलोमीटर में इंजन खोल दिया गया, मेरा इंजन सीज हो गया। तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मेरा जो ड्यूक 390 के ऊपर मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा, ताकि मुझे काफ़ी सारा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा इस बाइक को लेने के बाद। जैसे कि मैंने बाइक लिया आपका 10 अक्टूबर को, बाइक लिया मैंने 10 अक्टूबर को, बाइक लेने के बाद बाइक में काफ़ी सारा डिफेक्टिव प्रॉब्लम आ गया था, मैनुफेक्चरिंग प्रॉब्लम्स आ गया था, जैसे कि इंजन नॉइस करने वाला, इंजन काफ़ी ज़्यादा नॉइस कर रहा था। उसके बाद बाइक का इंजन का पिकअप कमती हो गया था, बाइक से नॉकिंग का साउंड आ रहा था। तो उसके हिसाब से मैंने कंप्लेन दिया केटीएम को, केटीएम कंपनी में कंप्लेन दिया जब मेरा बाइक में ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि बाइक को जमा कराना पड़ेगा। तो मैंने फिर बाइक सोचा मैंने बाइक को जमा करूँ, तो मैं गया डीलर में, तो बाइक जमा करा वहाँ पर। फिर उसके बाद उन लोगों ने मुझे क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको फिर आप देखिए वीडियो में, मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है, काफ़ी मुश्किल से रिकॉर्ड किया, वो नहीं दे रहे थे रिकॉर्ड करने के लिए। जैसा कि बाइक का तो अभी इंजन सीज हो गया मेरा, तो बाइक को अभी रख के जाना पड़ेगा डीलर में। तो अभी मैं डीलर में ही हूँ, तो आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा कि हमें काफ़ी मुश्किल से मैंने वीडियो किया, जैसे कि वो मेरा बाइक खोल रहा था इंजन, तो और दूसरा बाइक में वर्कर लोग काम कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ आपका, मेरा बाइक का जो बोला इंजन खोलना पड़ेगा, तो चलो ठीक है। और ये 200 मुझे चलाने के लिए दिया गया कैंटीन की तरफ से, बोला जितना दिन आपका बाइक ठीक नहीं होता है तब तक के लिए। तो उसके बाद मैंने काफ़ी मुश्किल से मेरे वीडियो बनाया एक, जैसे कि आप देखते हो मेरे बाइक का हाल, सब कुछ खोला जा रहा था धीरे धीरे, और काफ़ी स्लो और डीले था उनका सर्विस, क्योंकि बहुत सारा कस्टमर था वहाँ पे। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे ऑयल फिल्टर खोला गया, यहाँ से पूरा इंजन का वो टूटा हुआ पार्ट सब निकाल रहा था, तो इसलिए वो खोलना पड़ेगा बोला था। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे बाइक को पूरा खोल दिया गया, अभी कैसा क्या हो गया अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा दिमाग ही ख़राब हो रहा था। नया बाइक था बिल्कुल, 700 किलोमीटर कम्प्लीट नहीं हुआ, इंजन खुलने वाला था बाइक में। लोगों ने वीडियो में देखा जैसे कि इसमें क्या क्या नहीं हुआ, मैं आपके साथ एक फोटो भी शेयर करने वाला हूँ जो कि इसके इंजन से निकला गया, तो मोबाइल से क्या क्या चीज़ निकला वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को यहाँ पे मैं वीडियो को पोस्ट करके मैं एक फोटो एड करने वाला हूँ, तो वो फोटो को देख लो आप। इस तरह से आपको बाइक लेने से पहले पीडीआई नहीं किया गया था बाइक में, पीडीआई नहीं किया उसका, कुछ मतलब कुछ अच्छा से कुछ देख, मतलब पीडीआई कर नहीं करके बाइक दे दिया डीलर से, तो उनको सेल करना था खाली। तो लेने के बाद तो हमें कस्टमर का जब प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए बाइक लेने से पहले बाइक का पीडीआई हुआ कि नहीं वो अच्छे से चेक करो। और ये फोटो में देखो कैसा वो दिखाई दे रहा है, इंजन से कैसे पार्टिकल निकल वाला था, देख लो भाई। ये साउंड काफ़ी ज़्यादा निकल रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है नया बाइक। जैसा कि ये वीडियो में आपने देखा, जैसे कि इंजन काफ़ी ख़राब नॉकिंग आवाज़ कर रहा था, वो काफ़ी कुछ टेपिट टूट गया जिससे उसका जैसे आवाज़ कर रहा था, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना पड़ा। तो वीडियो को एंड तक, वीडियो को आज के लिए वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट ब्लॉग में बताने वाला हूँ तो क्या होता है क्या नहीं होता, आपको फुल बताने वाला हूँ डीलर के निकालने के बाद बाइक कैसा होता है, कैसा साउंड कैसा होता है, अगर इंजन रिप्लेसमेंट करने के बाद भी ठीक होता है कि नहीं, तो वो नेक्स्ट ब्लॉग में आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल को अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना।